हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज, जो कि एक कंसल्टेंसी फर्म है। हम डील करते हैं एग्री बिजनेस रिलेटेड हर एस्पेक्ट्स के साथ, हम डील करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ, हम डील करते हैं एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करने में, हम डील करते हैं एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस के अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। इस वक्त जो हमारी सीरीज चल रही है वो मशरूम रिलेटेड है। मशरूम की इस वीडियो में मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मम्मी डिजीज। आपको ये कंटेंट अच्छा लगे काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हेलो, मशरूम फार्मिंग के इस एपिसोड में आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मम्मी डिजीज। मम्मी डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मम्मी डिजीज जो कि बेसिकली ड्यूरिंग बटन मशरूम कल्टीवेशन हमें मिलती है, ज्यादातर ये रेनी सीजन और रेनी सीजन के आसपास हमें ये देखने को मिलती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है वो बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास, उसकी कुछ स्पीसीज हैं स्यूडोमोनास की। मम्मी डिजीज बेसिकली हमें मशरूम क्रॉप और देखने को मिलती है, बट इसका एग्जैक्ट एनुअल इकोनॉमिक लॉस कितना होता है ये आज तक कहीं पे भी रिपोर्टेड नहीं है। और बट अगर ये आ जाए कुछ प्रपोर्शन में तो ये मशरूम के किसी हिस्से में एक अच्छा खासा नुकसान कर सकती है। सो अगर हम देखें इस डिजीज का स्पॉन रन पे और केस रन के टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। स्पॉन रन और केस रन के टाइम पे इस बीमारी का कोई इफेक्ट नहीं होता, बट जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब जब बटन बनना स्टार्ट हो जाता है, तब इसके जो सिम्टम है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला इसका सिम्टम है, इस बीमारी का जो सबसे पहला असर है वो उसके ब्रेक पे है। जो हमारा बटन जो फर्स्ट फ्लश आता है वो डिले हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है जितनी भी मशरूम होगी हमारी, जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो फोटो दी हुई है इसमें जो भी उसका पाइलस होगा ये कर्व्ड हो जाएगा। पाइलस जो भी इसकी डंडी है मशरूम की ये कर्व्ड हो जाएगी स्ट्राइप की, और जो भी इसका पाइलस है वो भी कर्व्ड हो जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल ले लेगा। तो ये कर्व्ड स्टेम विद टिल्टेड कैप, कर्व्ड स्टेम विद टिल्टेड कैप मतलब कि आपका मशरूम जो है वो सीधा नहीं है, ऐसे हो जाएगा, क्लियर। सो ये और मशरूम नीचे से हल्का सा खुल भी जाएगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट निशानी है मम्मी डिजीज की। और जो इसका बेस है, जहां पे जड़े हैं, ये वाली जहां पे ये अटैच होता है, यहां पे ये बड़ा लूजली केसिंग के साथ अटैच होता है। आप हल्का सा टच करोगे इसको, हल्का सा आप अगर इसको हाथ लगाओगे तो ये गिर जाए, ये सिर्फ उसके साथ लटका रहता है। और जो इसकी जो इसका बेस है, अगर बेस पे ये एक निशानी है, उसके बाद क्या देखेंगे, जो इसका बेस है मशरूम का, ये बेस है ये चौड़ा होगा और यहाँ पे हल्के 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 माइसीलियम के रेशे होंगे, जड़ों के पास माइसीलियम के रेशे होंगे। ये भी एक निशानी है मम्मी डिजीज की। बेस फ्रिक्वेंटली जो उसका बेस है वो सूजा हुआ होगा और उसके ऊपर फ्लफी माइसीलियम ग्रोथ, माइसीलियम के हल्के हल्के रेशे होंगे जो मैंने अभी बताया। जब हार्वेस्ट करेंगे बहुत सारी केसिंग मिट्टी उसके साथ लगी होगी, बेस पे बहुत सारी केसिंग मिट्टी लगी होगी, ये भी एक मम्मी डिजीज का निशानी है। जो अफेक्टेड मशरूम है वो ड्राई हो जाएगी, जैसे कि चमड़ा हो, चमड़े की तरह आपको लगेगी, बिल्कुल सूखी भुरभुरी। अगर आप उसकी स्टेम को तोड़ोगे तो इजीली वो टूट के दो पीस में हो जाएगी, जैसे कि आप किसी कपड़े को फाड़ते हो या किसी लकड़ी को आपस में तोड़ते हो, लकड़ी की तरह ड्राई हो जाएगा, जो स्टेम है वो लकड़ी की तरह हल्की सी हार्ड हो जाएगी। और जो हार्वेस्ट है वो इजीली, जब आप हार्वेस्टर्स जो मशरूम को हार्वेस्ट करेंगे, मशरूम तोड़ेंगे, उनको तोड़ते वक्त इजीली पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आम जो हमारी बटन मशरूम है और जिसमें मम्मी डिजीज आई हुई है, इसमें डंडी में फर्क हो जाता है। जो जिसमें डंडी नीचे से हार्ड हो जाती है, जब हम उसे तोड़ते हैं तो इजीली हाथ में आ जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट निशानी है। जो इंटरनल स्टेम टिश्यू है, अगर मैं उसको लंबा काटूं, मान लीजिए ये मैंने बीच में से काट दिया, तो आपको हल्के 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 रेशे मिलेंगे,
माइसीलियम के, माइसीलियम जैसे अगर आप नॉर्मल को काटोगे, नॉर्मल माइसीलियम की डंडी को काटोगे तो आप उसे डिफरेंशिएट मतलब उसे पता नहीं लगा पाओगे, वो सारा एक से ऐसा ही गुद्दा सा मिलेगा। बट जब आप एक ममी डिजीज वाली मशरूम की डंडी को बीच में से काटोगे तो आप उसके रेशे निकाल सकते हो, वो रेशे से बन जाएंगे, डिस्कलर हो जाएंगे, ब्राउन ब्राउन हल्के हल्के ब्राउन से रेशे बन जाएंगे, डिस्कलर कलर खत्म हो जाएगा और ब्राउन व्हाइट कलर से वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे और ब्राउन स्पॉट भी आपको नजर आएंगे। ये उसके इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ये जो पैथोजन है, जो यानी कि ये कीटाणु है, ये माइसीलियम के अंदर ही इन्फेक्ट करता है, ये स्पोर्स के थ्रू नहीं इन्फेक्ट करता। इसका जो सेल्फ सिस्टम है ये 10 से 30 सेंटीमीटर पर डे ये बढ़ जाता है। मान लीजिए आपका ये एक सेल्फ है, अगर आपने बैग बनाए हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैलने में ये 10 से 30 सेंटीमीटर तक ये रोज फैलता है, यानी कि डिजीज 10 से 30 सेंटीमीटर रोज फैलती है। डिजीज और एरिया, अगर मान लीजिए वहां से एक बार डिजीज डेवलप होगी और एरिया जो है वहां से आपकी मशरूम एक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, वो मशरूम हार्वेस्ट लायक नहीं बचेगी, वो मशरूम खराब हो जाएगी। सो ममी हमें बेसिकली मिलती कहाँ है, ममी डिजीज होती क्या है, इसका कारण क्या है? ममी डिजीज हमेशा जब फेस, कुछ लोग क्या करते हैं जब फेस टू में कंपोस्ट लेके जाते हैं तो एक्सेस वाटर ऐड कर देते हैं। मैंने कई बार कहा है आपको फेस टू से पहले जो आप टर्निंग करते हो उसमें आपने वाटर नहीं ऐड करना, आपने फेस टू के पहले जब बंकर में आप तीसरी टर्निंग देते हो, तीसरी टर्निंग के पहले आप अपना पानी पूरा कर लेना है। अगर आप उसके बाद एक्सेस वाटर डाल देते हो, फेस टू में जो कंपोस्ट है वो वेट रहती है, प्रॉपरली पेस्टराइजेशन करने के बाद भी वो क्या रहती है, गीली हल्की नमी ज्यादा रहती है, जिसके कारण जब आप ऐसी कंपोस्ट की केसिंग कर देते हो तो उसमें मैक्सिमम चांस रहते हैं ममी डिजीज के आने के, मैक्सिमम चांस रहते हैं ममी डिजीज के आने के फेस टू की कंपोस्ट के बाद। जो वेट एरिया है कंपोस्ट का केसिंग टाइम के बाद, उस एरिया में जो केसिंग रैपिडली ड्राई होना शुरू हो जाती है, जैसे मान लीजिए डिजीज फैलेगी, ऑब्वियस है वहां पे रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ रहा है, उस एरिया में केसिंग सूखनी शुरू हो जाएगी, जल्दी सूखेगी एज कंपेयर टू दूसरे एरिया। सो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको कंट्रोल करना या तो आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं, मैंने पहले भी बताया था दो एंटीबायोटिक, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एग्रीकल्चर यूज के लिए मार्केट में अवेलेबल है, बट बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, हम इसे यूज नहीं करते। सेकंड, मैं आपको हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस, जो कल्चर प्रैक्टिस है, कल्चर प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हम प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जब आप प्रिवेंशन कर लेते हो तो आपको क्योर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है, आपका कॉस्ट जो मशरूम प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ता नहीं है। तो हम कल्चर प्रैक्टिस में क्या करेंगे, सबसे पहले भी आपकी जो कंपोस्ट है पेस्टराइजेशन के बाद वेट नहीं होनी चाहिए, उसको वेट ना हो तो हम क्या करेंगे, हम पहले ही उसका मॉइस्चर लेवल उस लेवल तक लेके जाएंगे कि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मॉइस्चर है वो 65 से 65% तक रहे। उसके बाद जहां पे अगर आप बेड सिस्टम कर रहे हैं तो बेड सिस्टम में 1.5 मीटर का जो एरिया है वो साफ कर दीजिए, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये खत्म नहीं होगी, ये माइसीलियम के अंदर रह जाए, जो आपका बैक्टीरिया है वो माइसीलियम के अंदर इन्फेक्ट करता है, क्लियर, तो ये खत्म नहीं होगा। तो ऐसे ही एरिया विड्थ जो 20 सेंटीमीटर का एरिया है कवरिंग, उसको प्लास्टिक से कवर कर दीजिए ताकि वो उस एरिया पे ना जाए, और जब आपकी कंपोस्ट एंड हो जाए उस कंपोस्ट को फिर पेस्टराइज कर दीजिए, और केयरफुली क्लीन करनी है हमें, बड़ा इजीली, ये नहीं है भी आपका जो कंपोस्ट आप लेके जा रहे हो पूरे रास्ते में बिखरती जा रही है, आपकी कंपोस्ट अगर स्पेंट कंपोस्ट अगर रास्ते में बिखरती जा रही है तो मतलब आपने पूरे फार्म पे डिजीज फैला दी, आपने ऐसा नहीं करना, आपने बड़ा प्रिकॉशनरी लेके जाने हैं। बैग मैंने बहुत ज्यादा देखा है, कुछ लोग जो कंपोस्टिंग बैग हैं, ट्रॉलियां भरते हैं अपने फार्म पे, बैग उलट उलट के ट्रॉलियां भर देते हैं, ऐसा मत कीजिए, आप बैग यहां से प्रॉपर भर के आप डंपिंग साइट पे लेके जाइए, वहां पे आप अपने बैग खाली कीजिए, यहां पे मत कीजिए, यहां पे अगर आप करेंगे तो आपके इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। सो ममी डिजीज को इजीली क्योर किया जा सकता है। उसके बाद फर्दर मोर अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा फैल रहा है तो आप 0.15% ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हैं,
ब्लीचिंग पाउडर 0.15%, मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं केमिकल्स को कभी रिकमेंड नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि आपको कॉस्ट कम करनी है, ना कि कॉस्ट बढ़ानी है। जितना ज्यादा केमिकल यूज करेंगे आप अपनी कॉस्ट बढ़ा लेंगे। मार्केट में बहुत मंदी चल रही है, मतलब भी आपको एक जितना मार्जिन आपको मिलना चाहिए उतना मार्केट में नहीं मिल रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप कल्चर प्रैक्टिस अपने से ही कीजिए ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिले। धन्यवाद।